नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नर्सिंग करियर क्लब में। आपको अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सके। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का लास्ट यूनिट, हेल्थ एजेंसीज। हेल्थ एजेंसीज क्या होती हैं, किस तरीके से कौन कौन सी एजेंसीज हैं और ये क्या क्या वर्क करती हैं, ये हम आज इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें है व्हाट इज एजेंसी, व्हाट इज हेल्थ एजेंसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजेंसीज, फंक्शन ऑफ हेल्थ एजेंसीज, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ एजेंसीज एंड डिस्क्राइब द हेल्थ एजेंसीज इन दिस इंटरनेशनल एंड नेशनल एजेंसीज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एजेंसीज की एजेंसीज क्या होती हैं। एजेंसीज मीन्स अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन providing a particular service on behalf of another business, person or group. एजेंसी क्या है? एजेंसी एक तरह का बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं बिहाफ ऑफ अनदर बिजनेस, उसी पर्टिकुलर बिजनेस का एक अदर पार्ट्स के रूप में, पर्सन्स को और ग्रुप्स को, ये कहलाती हैं अपनी एजेंसीज। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एजेंसीज की। हेल्थ एजेंसीज क्या है? जनरल मीनिंग की हेल्थ, ऐसी एजेंसीज जो हेल्थ के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कराए वो हेल्थ एजेंसीज कहलाती हैं। डेफिनेशन, वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइजेशन बाय द ऑटोनोमस बोर्ड विच होल्ड द मीटिंग, कलेक्ट्स फंड फॉर इट्स सपोर्ट फ्रॉम प्राइवेट सोर्सेज एंड एक्सपेंड मनी वेदर विद और विदाउट पेड वर्कर्स फॉर कंडक्टिंग द प्रोग्राम्स। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज का मीनिंग क्या हुआ? इट इज़ ए ऑटोनोमस बोर्ड, ये अपना सेल्फ का एक बोर्ड होता है जिसकी मीटिंग कंडक्ट होती है और फंड को कलेक्ट किया जाता है प्राइवेट सोर्सेज के जरिए और इस मनी को एक्सपेंड किया जाता है जिसमें कि वो विद और विदाउट पेड वर्कर्स के माध्यम से जो प्रोग्राम्स हैं वो रन किए जाते हैं, जिससे कि पर्टिकुलर एरिया की जो हेल्थ स्टेटस है वो इंक्रीज हो सके। तो ये होती है अपनी हेल्थ एजेंसीज। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है, हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। हेल्थ एजेंसीज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय, जो हेल्थ एजेंसीज हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती हैं? ए लोकल बोर्ड, बी ऑटोनोमस बोर्ड, सी गवर्नमेंट बोर्ड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑटोनोमस बोर्ड। वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज is an organization by the autonomous board which hold the meeting, collects funds for its support from private sources and expend money for the functioning of the agencies. जो functioning, proper functioning के लिए एक autonomous board अपनी organization develop करती हैं और services तैयार करती हैं। इसकी reference slide थी number 8. Next हम बात करते हैं अब objectives of वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसीज की, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसमें फर्स्ट हेल्थ एजुकेशन, जो मेन ऑब्जेक्टिव है अपना कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में वो वर्क कर रही है, वहाँ की पॉपुलेशन को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराना। उसके बाद नेक्स्ट हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ एजुकेशन दी अपन ने प्रिवेंटिव मेजर्स में, देन हेल्थ प्रमोशन, जो वहाँ पर डिजीज है वो उसे किस तरीके से क्योर कर सकते हैं, तो हेल्थ प्रमोशन। एंड द लास्ट हेल्थ लेजिस्लेशन, हेल्थ लेजिस्लेशन मीन्स जो हम ऑल सर्विसेज वहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस जो एक्ट्स हैं उनको हमको याद ध्यान में रखते हुए वहाँ पे वो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये थे अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजेंसीज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजेंसीज। फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजेंसीज में फर्स्ट डायरेक्ट सर्विस और असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स, क्या काम कर रही हैं? डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं और इंडिविजुअल को असिस्ट कर रही हैं। इन दिस इंक्लूड द एक्टिविटीज सच एज पेशेंट केयर, नर्सिंग, विजिटिंग सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ कंसल्टेशंस। जो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं उसमें कौन कौन सी सर्विसेज हैं? पेशेंट केयर, नर्सिंग, होम विजिटिंग सर्विसेज एंड द कंसल्टेशन सर्विसेज वहाँ पे वो प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंटिंग द वर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज,
ये क्या काम कर रही हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के सप्लीमेंट के रूप में ये वहां पर वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और इलनेस। नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग द फंड फॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स और अदर सप्लीमेंट्री असिस्टेंस टू सर्विस एजेंसीज। जो क्या कर रही हैं, फंड में कंट्रीब्यूट करती हैं एक स्पेशल या सप्लीमेंट्री असिस्टेंस को उन एजेंसीज को प्रोवाइड कराने के लिए, फंड को कलेक्ट करती हैं, उनको यूटिलाइज करती है उस फंड को किसमें, स्पेशल इक्विपमेंट परचेज करने में या अदर सप्लीमेंट्री असिस्टेंस जो भी हैं वहाँ पर उसको परचेज करने में। नेक्स्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग ग्रांट्स। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो किसके जरिए होता है, स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग से जो ग्रांट कलेक्ट होता है उसके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस ये अपने एजेंसीज क्या करते हैं। नेक्स्ट गाइड द वर्क ऑफ ऑफिशियल एजेंसीज एंड प्रोवाइड कंस्ट्रक्टिव आइडियाज। क्या काम कर रही हैं, ये गाइड कर रही हैं ऑफिशियल एजेंसीज को और उन्हें आइडियाज प्रोवाइड करा रही हैं कि हम किस तरीके से और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि उस एरिया की पॉपुलेशन की जो हेल्थ हैं, जो स्टैंडर्ड हैं वो हम इंक्रीज कर सकें। एंड नेक्स्ट एडवांसिंग हेल्थ लेजिस्लेशन, जो हेल्थ के लेजिस्लेशन हैं उनको एडवांस बनाने में ये हेल्प करती हैं। नेक्स्ट फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और न्यूली इसमें एक्सपेरिमेंटेशन कंटिन्यूसली इसमें चलते रहते हैं। नेक्स्ट सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एनी डिजास्टर, दीज एजेंसीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या काम करती हैं, ये मेनली जो गवर्नमेंट हैं उसके लिए सप्लीमेंट के रूप में ये वर्क कर रही हैं। जब कोई डिजास्टर कंडीशंस वहाँ पर अराइज होता है तो ये सामने आके अब उस रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेती हैं और जब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती जब तक ये वर्क करती रहती हैं। नेक्स्ट इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियंस। ये क्या करती हैं, पब्लिक के ओपिनियन से एक पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती हैं जिससे कि वहाँ पर वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड लीडरशिप, ये क्या काम कर रही है, इनिशिएशन के रूप में वर्क कर रही हैं और वहाँ से एक अच्छे लीडर की जो प्रोडक्शन है वो वहाँ से निकल के आता है। नेक्स्ट क्रिएटिंग ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग द बेनिफिशियरी। ये क्या करती हैं कि ग्रेट अंडरस्टैंडिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वर्क करती हैं कि जो उससे बेनिफिट ले रहा है वो उनके लिए वहाँ पर यूजफुल हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ एजेंसीज की, हेल्थ एजेंसीज के करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। इसमें फर्स्ट इट शुड बी एस्टेब्लिश्ड बाय ए ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनजीओस। जो एजेंसीज हैं वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती हैं, प्राइवेट ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इसको एस्टेब्लिश करती हैं। इट शुड बी ऑटोनोमस, ये क्या होती हैं, सेल्फ की द्वारा प्रिपेयर की हुई जिसमें हम वहाँ पर सेल्फ फंडिंग करते हैं या सेल्फ एक्सपेंडिचर्स जिसमें होता है तो ऑटोनोमस बॉडी हैं। इट शुड बी मैनेज्ड बाई एन इंडिपेंडेंट वॉलेंट्री बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड पीरियोडिकली बाई द मेम्बर्स, जिसमें किसके द्वारा मैनेज होती हैं, इंडिपेंडेंट या वॉलेंट्री बोर्ड के द्वारा, जिसमें डायरेक्टर्स को पीरियोडिकली वहाँ पर इलेक्ट किया जाता है उसके मेम्बर्स के द्वारा। नेक्स्ट इट शुड हैव अ क्लियरली डिफाइंड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड बी अकाउंटेबल टू दैट कॉन्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं जो कि अकाउंटेबल होते हैं उस चीज पर्टिकुलर एनजीओस के लिए कि वो क्या क्या वर्क वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इट शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ये क्या होती हैं, फाइनेंशियली खुद के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कि अगर कुछ कहीं से उसको फंड मिलता है तो वो कलेक्ट करेगी, अदरवाइज किसी पर ये फोर्सफुली वहाँ पर ये चीज़ अप्लाई नहीं करती कि आप हमारी इस एजेंसीज में फंडिंग कीजिए। नेक्स्ट इट शुड हैव ए फॉर्मल लीगल स्टेटस, परमानेंट हेडक्वार्टर्स एंड एम्प्लॉय प्रोफेशनल और स्टाफ। इसका एक अपना खुद का लीगल स्टेटस होता है, एक अपना हेडक्वार्टर्स होता है और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं। नेक्स्ट
इड शुड हैव ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोग्राम्स, मानवता के लिए जिसके ऑब्जेक्टिव्स है, जो प्रोग्राम्स है, वो पहले से ही डिसाइडेड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एजेंसीज की किस तरीके से हेल्थ एजेंसीज है उनको क्लासीफाई किया गया है। तो हेल्थ एजेंसीज में मोस्टली टू टाइप्स, इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज एंड नेशनल हेल्थ एजेंसीज। अब हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में कौन कौन सी एजेंसीज हैं और नेशनल हेल्थ एजेंसीज में कौन कौन सी एजेंसीज वर्क कर रही हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में हैं WHO, UNFPA, यूनिफा, वर्ल्ड बैंक, FAO, यूनिसेफ, डेनिडा, EC, रेड क्रॉस, USAID, यूनेस्को, कोलंबो प्लान, ILO एंड केयर। ये थी अपनी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज, जिसको हम आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ एजेंसीज। नेशनल हेल्थ एजेंसीज में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हिंद कुष्ठ निवारण संघ, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस एंड लास्ट ब्लाइंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये थी अपनी नेशनल हेल्थ एजेंसीज जो कि इंडिया में वर्क कर रही हैं, और इसके बिफोर जो हमने पढ़ा था वो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, जो ऑल ओवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अपनी एजेंसी हर कंट्रीज में अपना वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज में हम बात करेंगे फर्स्ट WHO। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज अ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1946। ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस की एक नॉन पॉलिटिकल एजेंसीज हैं जो कि 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी। इट्स हेडक्वार्टर एट जिनेवा। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय द टेक्निकल रेपिटेटरी कमेटी हेडेड बाय रेनी सैंड। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो टेक्निकल रेपिटेटरी कमेटी के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसके हेड थे मिस्टर रेनी सैंड्स। द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स ऑन 7 अप्रैल 1948। जिसका कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया 7 अप्रैल 1948। इसीलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WHO इज द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल्स ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। अटेनमेंट बाय द पीपल्स, ये क्या है, जो पीपल्स हैं उनके हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ को अचीव करने के लिए यह एजेंसीज वर्क कर रही हैं, विच इज सेट आउट इन द प्रीमेबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो क्या करती हैं, प्रीमेबल है उसके कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स इन द प्रीमेबल ऑफ WHO क्या क्या है, फर्स्ट कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जो कि हमने इससे पहले की जो वीडियोस थे उसमें भी डेफिनेशन में पढ़ा था हेल्थ के, कि हेल्थ इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो क्या काम कर रही है ये, फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग के लिए। नेक्स्ट नो डिस्क्रिमिनेशन इन द पाथ ऑफ अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं वहाँ पर नहीं होगा। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को जो अचीव करने के लिए हम वर्क कर रहे हैं तो उसमें किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं किया जाता। नेक्स्ट गुड हेल्थ इज फॉर अटेनमेंट ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, जो क्या काम कर रही है, गुड हेल्थ पीस और सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर हेल्प करती हैं। नेक्स्ट गुड हेल्थ इज वैल्यूड टू ऑल, अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होगी तो उसको सभी वैल्यू देंगे, अदरवाइज वहाँ पर उसको कोई वैल्यूज वहाँ पर नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इक्वल डेवलपमेंट इन प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज इन ऑल द कंट्रीज, ये किसके लिए वर्क कर रही हैं, इक्वल डेवलपमेंट इन द प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, हेल्थ के प्रमोशन में और डिजीज के कंट्रोल के लिए
सभी कंट्रीज के लिए ये इक्वल डेवलपमेंट के रूप में वर्क करती है. नेक्स्ट, एक्सटेंशन टू ऑल पीपल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड रिलेटेड नॉलेज. जिसके बेनिफिट्स हैं उसमें क्या करती है, पीपल्स की नॉलेज को इम्प्रूव करती है. कौन सी नॉलेज, मेडिकल, साइकोलॉजिकल एंड अदर रिलेटेड नॉलेज को. देन इंफॉर्म्ड ओपिनियन एंड एक्टिव कोऑपरेशन, जो क्या करती हैं, जो ओपिनियन हर कंट्रीज से आता है उसके लिए बताती हैं और उसके साथ कोऑपरेट करके ये अपना वर्क परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ WHO की. WHO के क्या क्या फंक्शंस हैं, इसमें फर्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक डिजीज. इट मीन्स ये प्रिवेंशन और कंट्रोल का वर्क करती हैं, जब किसी कंट्री में कोई स्पेसिफिक डिजीज वहाँ पर अराइज हो रही हो तो उसके लिए वर्क करती हैं. नेक्स्ट फैमिली हेल्थ, फैमिली की हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में या स्मॉल फैमिली को प्रोवोक करने के लिए यह वहाँ पे वर्क करती हैं. नेक्स्ट एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ को इंक्रीज या मेंटेन रखने के लिए वर्क कर रही है. देन डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज के जो प्लान है उसको डेवलप करती हैं. नेक्स्ट हेल्थ स्टैटिक्स, हेल्थ स्टैटिक्स को मेंटेन रखने के लिए वहाँ पे ये अपना वर्क कर रही हैं. बायोमेडिकल रिसर्चेज में हेल्प करती हैं, हेल्थ लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन में. एंड द लास्ट कोऑपरेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर एजेंसीज हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ कोऑपरेट करके हेल्थ रिलेटेड सेक्टर्स में ये वहाँ पे अपना फंक्शंस करती हैं. नेक्स्ट हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे. WHO कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स ऑन, जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में कब आया. ए 12 मई 1948, बी 11 जून 1947, सी 7 अप्रैल 1948, डी 2 अक्टूबर 1948. तो इसका जो आंसर है वो है सी 7 अप्रैल 1948. क्यों, द WHO कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड by the Technical Repository Committee headed by Renissant and came into force on 7th April 1948. जिसकी reference slide है वो है 22 numbers. Next हम बात करेंगे इसी में membership in WHO की. WHO के members कौन कौन होते हैं, इसमें first open to all countries, जो membership है वो सभी countries के लिए open है. Next most of the members of both the United Nations and the World Health Organizations. Next, territories which are not responsible for the conduct of their relations may be admitted as associate members. जो territories हैं जो कि directly उसके साथ admitted नहीं हो रही हैं वो as a associate member वहाँ पर work कर रही हैं. Associate members participate without vote and deliberations of the WHO. जो associate members होते हैं वो किस तरीके से वहाँ पर help करते हैं, उनका वहाँ पर voting में कोई role नहीं होता deliberations of WHO में. Next, each member contribute yearly to the budget and each is entitled to the services and aid the organization can provide. इसमें क्या करते हैं, जो मेंबर्स कंट्रीज हैं वो हर ईयर में वहाँ पर इन्वॉल्व अपने आप का कंट्रीब्यूशंस बताते हैं. जब वहाँ पे बजट प्रिपेयर किया जाता है और एंटाइटल्ड किया जाता है उस ईयर के सर्विसेज के लिए कि क्या वहाँ पे सर्विसेज उनको प्रोवाइड करानी है उस ऑर्गेनाइजेशन में, किस तरीके से किस कंट्रीज में ये वो अपना वर्क करेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उस मीटिंग के दौरान होती हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ WHO की, WHO का स्ट्रक्चर किस तरीके से है. इसमें फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है. नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड एंड द लास्ट सेक्रेटरेट, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ WHO है. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे WHO रीजनल सेंटर्स की. जो WHO हैं उसके रीजनल सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं. साउथ ईस्ट एशिया में जो रीजनल सेंटर हैं न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया में है. नेक्स्ट अफ्रीका, अफ्रीका का जो रीजनल सेंटर है वो है हरारे, जो कि है जिम्बाब्वे में. नेक्स्ट अमेरिका, अमेरिका का जो रीजनल सेंटर है वो वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट ऑफ
अमेरिका में. नेक्स्ट यूरोप, यूरोप का जो रीजनल सेंटर है वो है कोफेनगन जो कि डेनमार्क में है, एंड द वेस्टर्न पैसिफिक कंट्रीज में मैनीला जो कि फिलीपींस में है. ये तो इसके WHO के रीजनल सेंटर्स. नेक्स्ट एजेंसीज हैं यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जैसा कि इसके नाम से ही दिख रहा है कि ये चिल्ड्रंस के लिए ही वर्क कर रही हैं इमरजेंसी फंड वहाँ पर रिलीज करके. तो अब हम इसमें बात करते हैं. इट इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसीज है जो कि एस्टैब्लिश हुई 1946 में टू रिहैबिलिटेट चिल्ड्रंस इन वॉर रिवेज्ड कंट्री. जो कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो चिल्ड्रंस को रिवेज करने के लिए वहाँ पे रिहैबिलिटेट करने के लिए वहाँ पे ये वर्क कर रही है. इट्स हेडक्वार्टर एट न्यूयॉर्क, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. वर्क इन कोलेबोरेशन विद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ कोलेबरेट करके कॉपरेट करके ये अपना वर्क करती हैं. इट्स प्रोवाइड असिस्टेंस इन वेरिड फील्ड ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड द एनवायरमेंट सैनिटेशन. जो कि किस में वर्क कर रही हैं, MCH और एनवायरमेंटल सैनिटेशन के असिस्टेंस में. नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिसेफ फंडिंग एंड सर्विसेज. यूनिसेफ की जो फंडिंग्स हैं, फंडिंग इज डिराइव्ड वॉलेंट्री फ्रॉम गवर्नमेंटल एंड द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. जो फंडिंग है वो क्या करती हैं, वॉलेंट्री जो उसमें कॉपरेट कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंटल हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई यूनिसेफ, जो यूनिसेफ के द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उसमें हैं चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड न्यूट्रिशन, फैमिली हेल्थ एंड चाइल्ड वेलफेयर एंड एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं एजेंसीज की. UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. इट इज एस्टेब्लिश इन द ईयर 1966, जो कि 1966 में डेवलप की गई. इसका मेन जो था एम वो क्या था, टू हेल्प पुअरर नेशंस डेवलप दियर ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज मोर फुल्ली. जो मेन एम क्या था, जो पुअरर नेशन है, जो गरीब कंट्रीज हैं, उसकी ह्यूमंस और नेचुरल रिसोर्सेज को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए वहाँ पर यह वर्क करती है. UNDP प्रोजेक्ट कवर वर्चुअली एवरी इकोनॉमिक एंड सोशल सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड साइंस, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर. तो UNDP के जो प्रोजेक्ट्स हैं हर कंट्रीज में वर्चुअली ये वहाँ पर वर्क कर रही हैं, इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर्स में, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, साइंस, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के रूप में ये वहाँ पर अपना वर्क करती हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं UNDP एक्टिविटीज़ की. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं. द UNDP नेटवर्क लिंक एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल एंड नेशनल एफर्ट्स टू रीच दीज गोल्स. जो मेन गोल्स था तो इसका मेन क्या था, उनको कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल और नेशनल एफर्ट्स के द्वारा, जिससे कि वो उस गोल तक वहाँ पर पहुँच सके. नेक्स्ट दियर फोकस इज हेल्पिंग कंट्रीज बिल्ड एंड शेयर सॉल्यूशन टू द चैलेंजेज ऑफ. ये क्या काम करते ही हैं, उन कंट्रीज पूरा कंट्रीज को बिल्ड करने में और उनके साथ उसके जो चैलेंजेस हैं उसको सॉल्यूशंस को शेयर करती हैं. जो चैलेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, पॉवर्टी रिडक्शन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, एनवायरमेंट एंड एनर्जी एंड HIV/AIDS. कौन कौन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस से रिलेटेड कोई चैलेंजेस हो, पॉवर्टी रिडक्शन करने का कोई चैलेंज हो, या क्राइसिस प्रिवेंशन में हो या उससे रिकवरी करनी हो, एनवायरमेंट और एनर्जी से रिलेटेड कोई चैलेंज हो या HIV/AIDS से रिलेटेड कोई चैलेंज हो, तो वहाँ पे ये उसको सॉल्यूशंस शेयर करती हैं और उस कंट्री को उस प्रॉब्लम से रिकवर करके उसको बिल्ड करने में हेल्प कर रही हैं.
नेक्स्ट एजेंसी है अपनी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, कि हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जो एजेंसीज वहाँ पे वर्क करती हैं, जो मेन अपने एलिमेंट्स है उसमें अपना आता है फूड। फूड हमें कहाँ से प्राप्त होता है? एग्रीकल्चर से। जो एजेंसीज वहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है उनको डेवलप करने में वर्क कर रही हैं। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1945 के अंदर FAO को एस्टेब्लिश किया विद हेडक्वार्टर इन रोम, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। इट वॉज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्रिएटेड टू लुक आफ्टर सेवरल एरियाज ऑफ वर्ल्ड कॉपरेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो सेवरल एरियाज जो वर्ल्ड के कॉपरेशन में देखे थे उसके बाद इसको क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट, एम्स ऑफ FAO। द चीफ एम्स ऑफ FAO आर फर्स्ट टू हेल्प नेशन राइज लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या काम कर रही है? लिविंग स्टैंडर्ड्स किसी पर्टिकुलर नेशंस की कंट्री की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको राइज करने में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज, जो सभी कंट्रीज के जो न्यूट्रिशनल स्टेटस हैं उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर रही हैं। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग फॉरेस्ट्री एंड द फिशरीज, जो कि फार्मिंग फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज की जो एफिशिएंसीज हैं उनको वहाँ पे चांसेस इंक्रीज कर रही हैं। नेक्स्ट, टू बेटर द कंडीशंस ऑफ रूरल पीपल एंड बेटर द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। क्या काम कर रही हैं? जो रूरल पॉपुलेशन हैं उनकी कंडीशंस को बेटर कर रही हैं और उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती हैं प्रोडक्टिव वर्क के लिए। नेक्स्ट एजेंसीज, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्क करती हैं लीगल इश्यूज जो कि किसी इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1919। जो ILO था वो 1990 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज अ यूनाइटेड नेशन एजेंसी डीलिंग विद द लेबर इश्यूज, पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल, जो कि किसके लिए वर्क कर रही हैं? लेबर से रिलेटेड जो भी इश्यूज वहाँ पर नेशनल लेवल पे अराइज होते हैं, या लेबर के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना हो, या डिसेंट वर्क की कंडीशन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना हो, तो उसके लिए ये वहाँ पे वर्क करती हैं। 185 of the 193 United Nations member states are the members of the ILO. 193 में से 185 United Nations की जो states हैं वो इसके members हैं। In 1969, the organization received the Nobel Peace Prize for improving peace among classes, pursuing justice for workers, and providing technical assistance to the other developing nations. 1969 में इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबल प्राइज मिला था, शांति का नोबल प्राइज मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस डेवलपिंग कंट्रीज में ये पीसफुल एनवायरनमेंट वहाँ पे प्रोवाइड करवाया, जिसमें जस्टिस वहाँ वर्कर्स को जस्टिस प्रोवाइड किया, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया, जो कि वो उन कंट्रीज को जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में थी। तो इसलिए इस एजेंसीज को 1969 में नोबल पीस प्राइज वहाँ पर मिला। नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ILO। जो ILO हैं उसके क्या क्या पर्पस हैं? फर्स्ट, टू कंट्रीब्यूट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लास्टिंग पीस बाय प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। इसके जो मेन पर्पस हैं वो क्या हैं? एस्टेब्लिश करना किसी ऑर्गेनाइजेशंस को, किसी कंट्रीज को, कि जिस इंडस्ट्रीज के लिए वो वर्क कर रहा है वहाँ पे वो शांति वहाँ पर मिले,
वहाँ के वर्कर्स इक्वली वर्क करें, किसी तरह का उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पे जो जस्टिस प्रॉब्लम है, सोशल जस्टिस है, उसको प्रमोट किया जाए। सेकंड, टू इम्प्रूव थ्रू इंटरनेशनल एक्शन लेबर कंडीशन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसके बाद क्या किया, इंटरनेशनली लेवल पर इसका एक्शन लिया गया। अगर किसी कंट्रीज में कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पर अराइज हो रही हैं, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए और उनके लिविंग कंडीशंस स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए ये एजेंसीज वर्क करती है। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी, जो कि पर्टिकुलर कंट्रीज की इकोनॉमी और सोशल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट एजेंसी USAID, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो कि क्या काम कर रही है, अदर जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच में रिलेशंस को एस्टेब्लिश करके उनको डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इज द यूनाइटेड स्टेट फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग सिविलियंस फॉरन एड्स, जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज की और फॉरेन कंट्रीज के सिविलियंस के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने में रेस्पॉन्डिंग टू प्रेसिडेंट ओबामा प्लेस इन हिज जनवरी 2013 स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस टू जॉइन विद ऑल एलाइज टू एरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द नेक्स्ट टू डिकेड्स, जो जनवरी 2030 में उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे ओबामा, उन्होंने एक प्लेस दिया ज्वाइन विद ऑल आवर अलाइज टू इरेडिकेट, हमें हमारे जो अलाइज हैं उससे इसको जो पॉवर्टी है उसको इरेडिकेट करना है नेक्स्ट टू डिकेड्स में। नेक्स्ट, USAID हैज एडॉप्टेड एज इट्स मिशन स्टेटमेंट टू पार्टनर टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड to promote resilient democratic societies while advancing the security and prosperity of United States. इन्होंने क्या किया, एक मिशन स्टेटमेंट था अपने पार्टनर्स के साथ कि हमें हमारी जो पॉवर्टीज हैं उसको ख़त्म करना है, वहाँ पर resilient democratic society को डेवलप करना है, और इसके लिए सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटीज जो उस कंट्री के जो स्टेट मेंबर्स थे वहाँ के द्वारा ये वर्क किया गया। नेक्स्ट, USAID ऑपरेट्स इन अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका एंड यूरोप, जो USAID है कौन कौन से कंट्रीज में वहाँ पे अपना वर्क कर रही हैं, अफ्रीका में, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड यूरोप की कंट्रीज में अपने को ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ USAID, the US government is assisting in a number of projects designed to improve the health of Indian peoples. India mein kis tarike se help kar rahi hain, first malaria eradication, malaria ko eradicate karne mein Indian government ki help kar rahi hain. Next, medical education, nursing education, health education, water supply and sanitation, control of communicable disease, न्यूट्रिशन एंड द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प कर रही हैं, या इंडियन पॉपुलेशन की हेल्प कर रही हैं इन सारी चीज़ों को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट एजेंसी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, द रेड क्रॉस इज ए नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है वह नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑफिशियल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे। द फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन टू प्लेस इन 1864 एंड ए ट्रीटी वाज साइंड फॉर द रिलीफ ऑफ द वंडेड एंड सिक ऑफ द आर्मीज इन द फील्ड, थस केम इनटू बीइंग द इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो आर्मीज थे, जो सैनिक थे जो फील्ड में
बीमार हो गए थे या घायल हो गए थे उनकी सेवा के लिए, उनकी केयर के लिए ये कमेटीज वहाँ पर बनाई गई और उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की। नेक्स्ट, रोल ऑफ इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इसके क्या क्या रोल्स हैं। फर्स्ट, इट वॉज लार्जली कन्फाइंड टू द विक्टिम्स ऑफ द वार। जब वार की कंडीशंस आती हैं तो ये विक्टिम्स को क्या करती है, कन्फाइंड करके लार्ज लेवल पे उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। सेकंड, मेनली इट ट्राइज टू इन्वॉल्व इटसेल्फ इनटू एक्टिविटीज लाइक फर्स्ट एड इन केस ऑफ वार लाइक सिचुएशन एंड एमसीएस सर्विसेज। अगर वार लाइक सिचुएशंस वहाँ पर होती हैं तो उस कंडीशंस में ये ट्राई करती हैं अपने आप को इन्वॉल्व करने की कि हम वहाँ पर किसी भी आर्मियंस या सिविलियंस या आर्मी के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पर फर्स्ट एड प्रोवाइड कराए या एमसीएस सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कराए। नेक्स्ट, लेटली इट हैज ट्राइड टू एक्सटेंड इट्स रिसर्च डिजास्टर मैनेजमेंट एंड हैज डिजाइंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल, जो कि लाइटली इसके जो लास्टली जो उसके लिए जो वर्क है वो उसके लिए ट्राई करती है कि जो हमारी रिसर्च है उस वो किसके अकॉर्डिंग हो, डिजास्टर मैनेजमेंट में हैज डिजाइंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल, जो कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल को डेवलप करती है। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना का जो इफेक्ट चल रहा है उसमें किस तरीके से वहाँ पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वहाँ पर हेल्प कर रही है स्क्रीनिंग में, कि वहाँ पर हर इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग में यह हेल्प कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीज़ें असेस हों और उसको वहाँ पर केयर मिल सके। नेक्स्ट एजेंसीज हैं केयर, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। इट मीन्स कि कोऑपरेट करना है असिस्टेंस के लिए और रिलीफ वर्क प्रोवाइड कराना फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। द कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर फाउंडेड इन नॉर्थ अमेरिका in the wake of the Second World War in the year 1945 mein Second World War ke baad North America mein is agencies ko develop kiya gaya. It is one of the world largest independent non-profit non-sectarian international relief and development organizations, jo ki world ka sabse largest independent नॉन प्रॉफिट नॉन सेक्रेटरियन एजेंसीज हैं जो कि इंटरनेशनल रिलीफ और डेवलपमेंट के लिए वर्क कर रही हैं। केयर प्रोवाइड इमरजेंसी एड एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट असिस्टेंस, जो कि इमरजेंसी एड्स और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए असिस्टेंस वहां पर प्रोवाइड कराती हैं। इट्स ऑपरेट इन इंडिया फ्रॉम 1950 से ये इंडिया में भी अपना वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ केयर, केयर इन इंडिया फोकस्ड इट इज फूड सपोर्ट इन द ICDS प्रोग्राम एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम इन एरियाज ऑफ हेल्थ एंड इनकम सप्लीमेंटेशंस। जो इंडिया में किस तरीके से ये फोकस कर रही हैं, फूड सपोर्ट वहाँ पे दे रही हैं ICDS प्रोग्राम के अंडर में, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो कि हेल्थ और इनकम सप्लीमेंटेशंस के लिए है, जरूरी है उन प्रोग्राम्स को डेवलपमेंट में हेल्प कर रही है। इट इज हेल्पिंग इन द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स, जो कि फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स में हेल्प करती हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोजेक्ट, बेटर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, एनीमिया कंट्रोल प्रोजेक्ट, इम्प्रूविंग वुमेंस हेल्थ प्रोजेक्ट, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर फॉर एडल्ट एंड गर्ल्स प्रोजेक्ट, चाइल्ड सर्वाइवल प्रोजेक्ट, इम्प्रूविंग वुमन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड फैमिली स्पेसिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, केयर इन इंडिया वर्क इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा। करंटली इट हैज़ प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में यह वहाँ पर वर्क कर रही हैं।
नेक्स्ट एजेंसी है वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1944 इज हेडक्वार्टर्स इन वाशिंगटन डीसी, अमेरिका. द वर्ल्ड बैंक इज अ वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वाइटल सोर्स है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस के लिए. नेक्स्ट, इट्स मिशन इज टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म फॉर लास्टिंग रिजल्ट एंड टू हेल्प पीपल हेल्प themselves एंड their एनवायरमेंट बाय प्रोवाइडिंग resources, शेयरिंग नॉलेज, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर एन पार्टनरशिप इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. जिसका मिशन था वो क्या था, पॉवर्टी के अगेंस्ट में फाइट करना पेशेंस और प्रोफेशनलिज्म के साथ, और इसके साथ साथ पीपल्स की हेल्प कर रही हैं उसको अपने आप में डेवलप करने के लिए, कि वो जो एनवायरमेंटल के द्वारा जो रिसोर्सेज हैं उससे वो इजीली एडजस्ट कर सके, अपनी नॉलेज शेयर कर सके, अपने आप की कैपेसिटी को बढ़ाए, और फॉरेन रिलेशनशिप जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ज़रूरी हैं उसको बिल्ड करने में हेल्प कर रही हैं. द प्रेसिडेंट करंटली डेविड मेलपास, जो इसका प्रेसिडेंट है करंट में वो है डेविड मेलपास. नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, इट प्रोवाइड्स लो इंटरेस्ट लोन्स, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज फॉर वेरियस पर्पस दैट इंक्लूड. ये क्या काम करती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती हैं, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट्स और ग्रांट वहाँ पर देती हैं, जो कि वेरियस पर्पजेस के लिए वहाँ से ये रिलीज होता है. इसमें फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन. अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज को अपने एजुकेशन से रिलेटेड स्टेटस को इम्प्रूव करना है ये, तो उसके लिए वहाँ पर ये उसमें इन्वेस्टमेंट के रूप में ग्रांट्स प्रोवाइड कराती हैं, हेल्थ के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेज करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए ये वहाँ से ग्रांट प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट, क्राइटेरियाज ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं. इसमें फर्स्ट, इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर. जो पॉवर्टीज और जो भूखमरी हैं उसको इरेडिकेट करने में हेल्प करती हैं. अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन. नेक्स्ट, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी. नेक्स्ट, रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी. नेक्स्ट, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ. नेक्स्ट, कॉम्बैट HIV एड्स, मलेरिया एंड अदर डिजीज. नेक्स्ट, एंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. नेक्स्ट, डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट. ये इसके क्राइटेरियाज थे जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ से फंड रिलीज करती हैं. नेक्स्ट एजेंसी है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि पॉपुलेशंस को, स्मॉल फैमिलीज के लिए वहाँ पर यह फंड रिलीज करती हैं. यूनिफा, द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इज द लीड यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर डिलीवरिंग अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी बर्थ इज सेफ एंड एवरी यंग पर्सन्स पोटेंशियल इज फुलफिल्ड. जिसका मेन एम क्या है, कि जो वर्ल्ड में जो प्रेगनेंसीज हैं, जो प्रेगनेंसीज जा रहे हैं वो सेफ हो, बर्थ सेफ हो, और जो यंग पर्सन हैं उसके पोटेंशियल्स, जो उसके ड्रीम्स थे वो वहाँ पे फुलफिल हो. नेक्स्ट, यूनिफा एक्सपेंड द पॉसिबिलिटीज फॉर वुमन एंड यंग पीपल टू लीड हेल्थी एंड प्रोडक्टिव लाइफ. यूनिफा क्या कर रही हैं, मैक्सिमम और अपनी जो कैपेसिटीज है उसकी पॉसिबिलिटीज है वो मैक्सिमम क्या है, वुमन्स और यंग पीपल्स की, वो हेल्थी रहें और उनकी प्रोडक्टिव लाइफ हो. सिंस यूनिफा स्टार्टेड वर्किंग इन 1969, द नंबर एंड द रेट ऑफ वुमन डाइंग फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ
pregnancy or childbirth has been helped. Families are smaller and healthier. Young people are more connected and empowered than ever before. जब 1969 में इसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, उस वक्त जो क्या था, बहुत ज़्यादा रेट थी कि वुमन्स की मृत्यु हो रही थी किसकी वजह से, प्रेगनेंसीज के कॉम्प्लिकेशंस में या डिलीवरी के टाइम पर. तो वो वहाँ पे कम करने के लिए उन्होंने वर्क किया और स्मॉलर फैमिलीज को हील करने में, फैमिलीज की साइज को हील करने में यहाँ पे वर्क किया, यंग पीपल्स को कनेक्टेड किया उनको एम्पावर करने के लिए. नेक्स्ट, यूनिफा सपोर्ट मैटरनल हेल्थ. जो यूनिफा है वो मैटरनल हेल्थ को किस तरीके से सपोर्ट करता है? फर्स्ट, ट्रेनिंग मिडवाइव्स एंड हेल्थ वर्कर्स. जो मिडवाइव्स और हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है कि वो सेफ डिलीवरी वहाँ पर कंडक्ट करा सकें. नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला. ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला की कंडीशंस को प्रिवेंट करने में या अगर होता है तो उसको ट्रीट करने में किस तरीके से हम वहाँ पर केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ से बताता है. नेक्स्ट, सप्लाइंग क्लीन बर्थ किट्स फॉलोइंग डिजास्टर्स. क्लीन बर्थ किट्स की सप्लाई को वहाँ से मैनेज करता है. नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर. इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर्स के लिए वहाँ पर ट्रेनिंग और स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है. नेक्स्ट, एंश्योरिंग रिलायबल सप्लाईज ऑफ असेंशियल मेडिसिन. प्रेगनेंसी के दौरान जो असेंशियल मेडिसिन है उसकी सप्लाई को रिलायबल सप्लाई के लिए एंश्योर करता है. एंड इनेबलिंग बर्थ स्पेस. एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जो स्पेसिंग होनी चाहिए उसके लिए वहाँ पर हर कंट्रीज को रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट, यूनिफा एडवोकेट फॉर द वेलफेयर ऑफ यंग पीपल. यूनिफा है वो यंग पीपल्स के वेलफेयर के लिए किस तरीके से उनको एडवोकेट करता है. फर्स्ट, प्रमोटिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ एडोलसेंट. प्रिवेंटिंग HIV इन्फेक्शन. एंगेजिंग यंग पीपल इन द डिसीजन दैट अफेक्ट देम. नेक्स्ट, सपोर्टिंग एज अप्रोप्रिएट. नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन. एंड लास्ट, एनकरेजिंग लीडरशिप. तो यंग पीपल्स के लिए किस तरीके से एडवोकेट कर रहा है ह्यूमन राइट्स की, एडोलसेंट्स के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, HIV इन्फेक्शंस को प्रिवेंट किया जाए, या यंग पीपल्स को डिसीजन मेकिंग जो कंडीशंस आती हैं उसमें एंगेज किया जाए जिससे कि वो इफेक्टिवली वहाँ पर उसमें कॉपरेट कर सके, या सपोर्टिंग एज अप्रोप्रिएट, या और कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड किया जाए और उसके साथ साथ उनके लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाया जाए. तो ये इस तरीके से यंग पीपल्स की एडवोकेट करती हैं, हेल्प करती हैं उसके वेलफेयर में. नेक्स्ट एजेंसी है डेनिडा, दानिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी. इट इज द एजेंसी ऑफ द डेनमार्क. द दानिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इज द ब्रांच विच द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ डेनमार्क. जो कि ब्रांड है किसका? डेनमार्क की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का. यूजेस व्हेन इट्स प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट टू अदर कंट्रीज विद फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज. देयर इज नो डिस्टिंक्ट डेनिडा ऑर्गेनाइजेशन विद द मिनिस्ट्री. जो डेनिडा की मिनिस्ट्री है उसके साथ इसका कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये वहाँ की फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री से डायरेक्टली अटैच्ड है, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को फोकस करती है, उनको डेवलपमेंट और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहाँ पे प्रोवाइड कराने में. नेक्स्ट, द एम ऑफ डेनमार्क डेवलपमेंट कॉपरेशन इज टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. जो किस तरीके से हेल्प कर रही हैं ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने में और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के द्वारा वहाँ की पॉवर्टी को रिड्यूस कर रही है. इट इज फोकस्ड ऑन सम ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड. जो कि फोकस करती है पूरे वर्ल्ड में से जो पुअर कंट्री है उनके ऊपर. द फोर मेन प्रायोरिटी एरिया आर ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी. ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के लिए वर्क करती है. ग्रीन ग्रोथ,
सोशल प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड द प्रोटेक्शंस जो एरियाज हैं उसमें ये वहाँ पर फोकस करते हुए उन पुअर कंट्रीज पे वर्क करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट एजेंसी यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन, द यूरोपियन कमीशन इज द यूरोप एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ यूरोप एज अ होल एज अपोज्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल कंट्री। यूरोपियन कमीशन क्या है? यूरोपियन, यूरोप की एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कि उसकी यूरोप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है एक पूरा अपने आप में कंप्लीट के रूप में। द यूरोपियन कमीशन इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूरोपियन यूनियन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रपोजिंग लेजिस्लेशन, इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, अपहोल्डिंग द यूनियन टेरिटरीज एंड डे टू डे रनिंग ऑफ द यूरोप। कि ये किस तरीके से हेल्प कर रही है, उसके जो लेजिस्लेशन वहाँ पर प्रपोज करती हैं, डिसीजन इम्प्लीमेंटिंग में, या यूनियन टेरिटरीज के साथ कि किस तरीके से यूरोप डे बाय डे रन कर रहा है उसको अफोर्ड करती है, उसके बारे में वहाँ से बताती है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कि अपने आप को डेवलप करने के लिए। ये था यूरोपियन कमीशन। देन नेक्स्ट एजेंसी आती है अपनी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट्स पर्पस इज टू कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर इन ऑर्डर टू फर्दर यूनिवर्सल रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, द रूल ऑफ लॉ एंड ह्यूमन राइट्स अलोंग विद फंडामेंटल फ्रीडम प्रोक्लेम्ड इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर्स। इट इज द हाई ऑफ द लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉपरेशन। जिसका मेन पर्पज क्या है? कॉन्ट्रीब्यूट प्रोवाइड कर, कॉन्ट्रीब्यूट करता है पीस एंड सिक्योरिटी में किस तरीके से? बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलेबोरेशन। जो प्रमोट किससे होता है? इंटरनेशनल कोलेबोरेशन से, जिसमें एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर्स, जो अदर कंट्रीज की जो यूनिवर्सल रेस्पेक्ट करता है जस्टिस के लिए, वहाँ के रूल ऑफ लॉ, ह्यूमन राइट्स, और वहाँ पर प्रोवाइड कराता है फंडामेंटल फ्रीडम उन कंट्रीज को। तो इस तरीके से ये वर्ल्ड द वर्ल्ड्स के और उन कंट्रीज में पीस एंड सिक्योरिटीज को वहाँ पर प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। यूनेस्को हैज 195 मेंबर्स स्टेट्स एंड द 9 एसोसिएट मेंबर्स। यूनेस्को परस्यू इट्स ऑब्जेक्ट थ्रू 5 मेजर प्रोग्राम्स। जो यूनेस्को है अपने ऑब्जेक्टिव्स को 5 मेजर प्रोग्राम के द्वारा परस्यू करता है, जिसमें एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोशल एंड ह्यूमन साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इन पांचों ऑब्जेक्टिव्स के जरिए यूनेस्को अपने सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट एजेंसी कोलंबो प्लान। द कोलंबो प्लान इज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्बडीज द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव इंटर गवर्नमेंटल एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन economic and social development of member countries in the Asia Pacific region. जो कोलंबो प्लान था वो एशिया पैसिफिक regions के लिए develop किया गया था, जो उसके members countries हैं उनको ये embodies और region concept provide कराता है कि किस तरीके से आप government की help के द्वारा उस वहाँ की economic और social developments वहाँ पर आप कर सकते हैं। द प्राइमरी फोकस ऑफ कोलंबो प्लान एक्टिविटीज इज ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। द कोलंबो प्लान का मेन जो पर्पज है, जो मेन एक्टिविटीज है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को वहां पे करना। नेक्स्ट पर्पजेज ऑफ कोलंबो प्लान। द कोलंबो प्लान इज नॉट इंटेंडेड एज एन इंटीग्रेटेड मास्टर प्लान टू विच नेशनल प्लान
were expected to conform. It is instead a framework for bilateral arrangement involving foreign aid and technical assistance for the economic and social development of the region. Main purpose kya hai? कि ये नेशनली एक प्लान डेवलप प्रिपेयर करता है जिसमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड होती है, बायलेटरल अरेंजमेंट वहाँ पे किया जाता है फॉरेन एड्स और टेक्निकल असिस्टेंस के द्वारा, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर रीजन्स का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट वहाँ पर होता है। ये था अपना कोलंबो प्लान। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोलंबो प्लान, कि कोलंबो प्लान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पर थे। फर्स्ट, टू प्रमोट इंटरेस्ट इन and support for the economic and social development of Asia and the Pacific countries. ये क्या काम कर रही हैं? उसके interest को promote कर रही हैं Asia and Pacific countries को, कि वो किस तरीके से support करें, उसमें involve हो economic और social development के लिए। Next, to promote technical cooperation and assist in the sharing and transfer of technology among मेंबर कंट्रीज। टेक्निकल कॉपरेशन को प्रमोट कर रही हैं और उसके साथ साथ उनको असिस्ट करती हैं कि जो उन चीज़ों को शेयर करें अपने मेंबर्स कंट्रीज के साथ, कि किस तरीके से हम अपने यहाँ की टेक्नोलॉजीज को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू कीप अंडर रिव्यू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टेक्निकल कॉपरेशन बिटवीन द मेंबर गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल एंड अदर एजेंसीज with a view to accelerating development through cooperative efforts. Next, to facilitate the transfer and sharing of development experiences among members countries with the region, with emphasis on the concept of south-south cooperation. ये सारी चीजें अपने आप को develop करने के लिए socially और economically वहाँ पर ये चीजें जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ शेयर करती हैं, उनको टेक्निकल कोऑपरेशन असिस्टेंस प्रोवाइड कराती हैं कि आप अपने आप में इकोनॉमिकली और सोशली डेवलप हो सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हेल्थ एजेंसीज। नेशनल हेल्थ एजेंसीज में फर्स्ट इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि इंडिया में अपने 100 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920, जो कि 1920 में इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश हुआ। इट हैज़ 400 ब्रांचेज इन इंडिया, पूरे इंडिया में इसकी 400 ब्रांचेज हैं। एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम आर प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड मिटिगेशन ऑफ सफरिंग अमंग द पीपल्स, जिसका मेन वर्क क्या है, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड द मिटिगेशन ऑफ सफरिंग अमंग द पीपल्स, इसके मेन पर्पजेस हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटीज ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। फर्स्ट, रिलीफ वर्क, मिल्क एंड मेडिकल सप्लाईज, आर्म्ड फोर्सेस, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग, ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड। नेक्स्ट एजेंसीज, हिंद कुश निवारण संघ, जैसा कि इसका नाम में ही है, हिंद कुश निवारण संघ, जो कि मेनली वर्क करती थी लेप्रोसी के जो पेशेंट्स हैं उनकी केयर प्रोवाइड कराने के लिए। इट वाज फाउंडेड इन 1950, इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इट प्रीकर्सर वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, विच वाज डिसॉल्वड इन 1950, जो कि पहले किस नाम से थी, इंडियन काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी रिलीफ एसोसिएशन, जिसको डिसॉल्व करके नाम दिया गया 1950 में हिंद कुश निवारण संघ। एक्टिविटीज ऑफ हिंद कुश निवारण संघ, रेंडरिंग ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वेरियस लेप्रोसी होम्स एंड क्लिनिक्स, हेल्थ एजुकेशन थ्रू पब्लिकेशन, पोस्टर, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल वर्कर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, कंडक्टिंग रिसर्च एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशंस। किस तरीके से ये वर्क कर रही हैं, जो लेप्रोसी होम्स और क्लिनिक्स थे
वहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस, उसको फंड प्रोवाइड कराती हैं, हेल्थ एजुकेशन देती हैं थ्रू पब्लिकेशंस और पोस्टर्स के द्वारा, मेडिकल वर्कर्स को ट्रेनिंग, फिजियोथेरेपिस्ट और रिसर्च को कंडक्ट करती है फील्ड इन्वेस्टिगेशंस के द्वारा। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग ऑल इंडिया लेप्रोसी वर्कर कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिकेशंस ऑफ लेप्रोसी इन इंडिया ए क्वार्टरली जनरल। ये कि ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस अरेंज करती हैं, जो कि कॉन्फ्रेंस में जो भी वहाँ पे होता है उसको पब्लिश किया जाता है क्वार्टरली जनरल्स में, जिसका नाम है लेप्रोसी इन इंडिया। नेक्स्ट एजेंसी जाती हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952। इट इज एफिलिएटेड विद द इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर, जो कि एफिलिएटेड है इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर से। द सर्विसेज ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर चाइल्ड वेलफेयर आर डिवोटेड टू सिक्योर फॉर इंडियन चिल्ड्रंस दोज अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटीज बाय लॉ एंड अदर मीन्स, जो कि इंडियन चिल्ड्रंस को सिक्योर कर रही हैं किसके द्वारा, उनको अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं लॉ या अदर्स मीन में, विच आर नेसेसरी टू इनेबल देम टू डेवलप फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली एंड सोशली इन अ हेल्थी एंड नॉर्मल मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी, जो अपने आप उनको फ्रीडम और डिग्निटीज वहाँ पे प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। नेक्स्ट एजेंसी है ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इट वॉज formed in 1939. It has branches in all the states in India. 1939 में इसको establish किया और इंडिया के सभी states में इसकी branches हैं। The main activities of Tuberculosis Association of India: organizing a tuberculosis shield campaign every year to raise fund, training of doctors, health visitors and social workers in anti-tuberculosis work, promotion of health education, promotion of consultations and conferences. तो इसकी activities क्या हैं वहाँ पर, campaign वहाँ पर every years किया जाता है और उसके लिए fund को raise किया जाता है, उसके साथ साथ doctors को, health visitors को, social workers को anti-tuberculosis work में involve किया जाता है, उसके लिए training provide की जाती है और उसके साथ साथ प्रमोट किया जाता है हेल्थ एजुकेशंस को, कंसल्टेशंस को एंड कॉन्फ्रेंसेस को, जिससे कि वहां पर वो कंडीशंस कम हो सके। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशंस अंडर ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंडर में हैं? फर्स्ट, द न्यू दिल्ली ट्यूबरक्लोसिस सेंटर, द लेडी लिनलिथगो सैनिटोरियम एट कसौली। नेक्स्ट, द किंग एडवर्ड सेवन सैनिटोरियम एट धर्मपुर। एंड थर्ड, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल एट महरौली। नेक्स्ट एजेंसीज हैं भारत सेवक समाज। इट इज ए नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, वाज फॉर्म्ड इन 1952 में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई, जो कि नॉन पॉलिटिकल और नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इट्स प्राइमरी एम्स आर हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन एफर्ट्स। ये पीपल्स की हेल्प करती है कि वो अपने स्वयं के एफर्ट्स से और उनके एक्शन से वो अपनी एक अच्छी हेल्थ को प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन इन विलेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज ऑफ द भारत सेवक समाज। जो सैनिटेशन हैं उसको इम्प्रूव करने में, विलेजेस की जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स है उसको इम्प्रूव करने में ये वहाँ पर हेल्प करती हैं, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है भारत सेवक समाज की। नेक्स्ट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। इट इज़ एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इट वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1953, जो कि 1953 में अगस्त महीने के अंदर इसको डेवलप किया गया. द फंक्शंस आर फर्स्ट सर्वे द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ वॉलंटरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री. सर्वे करती हैं वहाँ की वेलफेयर से जो रिलेटेड नीड्स हैं रिक्वायरमेंट्स हैं कि हम उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, ये वहाँ पर सर्वे करती हैं. नेक्स्ट प्रमोटिंग एंड सेटिंग अप ऑफ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए वॉलंटरी बेसिस. प्रमोट करती हैं सेटअप तैयार करती हैं सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का वॉलंटरी बेसिस पर. नेक्स्ट रेंडरिंग ऑफ फाइनेंशियल एड टू डिजर्विंग एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन. फाइनेंशियल एड वहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं जिससे कि जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिजर्व करते हैं, उनको ये वहाँ पर फंड प्रोवाइड कराती हैं. नेक्स्ट एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड. सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, इसमें फर्स्ट टीचिंग ऑफ क्राफ्ट, सोशल एजुकेशन, लिटरेसी क्लासेस, मैटरनिटी एड फॉर वुमन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क, बालवाड़ीज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्ले सेंटर्स फॉर चिल्ड्रंस. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वहाँ पर करती हैं, क्राफ्ट के लिए टीचिंग प्रोवाइड कराती हैं, सोशल एजुकेशन देती हैं, लिटरेसी क्लासेस हैं, वुमन्स के लिए मैटरनिटी एड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एट बालवाड़ीज और प्ले सेंटर्स चिल्ड्रंस के लिए बना ऑर्गेनाइज करती हैं. इट आल्सो स्टार्टेड स्कीम ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव्स टू हेल्प द लोअर मिडिल क्लास वुमन्स इन अर्बन एरियाज सप्लीमेंट दियर इनकम बाई डूइंग पेड वर्क. और इन्होंने अभी एक अपनी स्कीम स्टार्ट की थी इंडस्ट्रीज के साथ कॉपरेट करते हुए कि जो लोअर मिडिल क्लास की वुमन्स हैं अर्बन एरियाज में उनको सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएं कि जो वर्क कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग उनको वहाँ पर पे मिले. अब हमें इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं. सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड वाज सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ए जुलाई 1946, बी अक्टूबर 1950, सी जनवरी 1951 एंड डी अगस्त 1953. द रैशनल है इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. इट वॉज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1953. इसकी जो रेफरेंस स्लाइड है वो है 85 नंबर. नेक्स्ट एजेंसीज द कस्तूरबा मेमोरियल फंड. द कस्तूरबा मेमोरियल फंड जो कि फादर्स थे नेशंस के जो फादर हैं महात्मा गांधी उनकी पत्नी के नाम पे ये स्टार्ट किया गया. इट वाज क्रिएटेड इन कॉमेमोरेशंस ऑफ कस्तूरबा गांधी आफ्टर हर डेथ इन 1944. ये कस्तूरबा गांधी की याद में उनकी मृत्यु के पश्चात इसको डेवलप किया गया 1944 में. द फंड वाज रेज्ड विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द लॉट ऑफ वुमन especially in villages through gram sevikas. जो इसमें क्या था फंड रेज किया गया जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, जो रूरल एरियाज की जो वुमन्स हैं उनको डेवलप किया जाए और उनको स्पेशली ट्रेंड किया जाए एज ए ग्राम सेविकास. नेक्स्ट इसी में एजेंसीज में फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया. फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर अपने 70 ईयर्स कंप्लीट कर चुका है, उसको सेलिब्रेट कर रहा है. इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949 इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई प्रोपेगेटिंग द फैमिली प्लानिंग इन इंडिया. जो कि मेन वर्क कर रही हैं फैमिली प्लानिंग के लिए. दीज ब्रांचेज आर रनिंग
एज ए फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स, जो इसके ब्रांचेज हैं वो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स के तौर पे पूरे इंडिया में वर्क कर रही हैं। इट हैज़ ट्रेंड सेवरल हंड्रेड डॉक्टर्स, हेल्थ विजिटर्स एंड सोशल वर्कर्स, जो कि हजारों डॉक्टर्स को, हेल्थ विजिटर्स को और सोशल वर्कर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है स्मॉल फैमिली नॉर्म्स और फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट, ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस। इट इज द ओनली वुमन्स वॉलेंट्री वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, जो कि वुमन्स के वेलफेयर के लिए एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री की। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1926, जो कि 1926 के अंदर डेवलप किया गया। मोस्ट ऑफ द ब्रांचेज आर रनिंग, जो इसके मोस्टली ब्रांचेज हैं उसके द्वारा जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, MCH क्लिनिक, मेडिकल सेंटर्स एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स, मिल्क सेंटर्स एंड द फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स के द्वारा ऑल इंडिया वुमन कॉन्फ्रेंस की सर्विसेज वुमन्स को मिलती हैं अपने वेलफेयर के लिए। नेक्स्ट एजेंसी, ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1946 एंड 1946 में ऑल इंडिया ब्लाइंड रिलीफ सोसाइटी को डेवलप किया गया, जिसका मेन वर्क क्या था। इट ऑर्गेनाइज आई रिलीफ कैंप एंड अदर मेजर्स फॉर द रिलीफ ऑफ द ब्लाइंड, जो मेन क्या करती थी, आई रिलीफ कैंप को ऑर्गेनाइज करती थी और जो मेजर्स करती थी कि जो ब्लाइंडनेस वहाँ पे हो रही है वो क्यों हो रही है और हम उसको किस तरीके से वहाँ पे क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट एजेंसी, प्रोफेशनल बॉडीज। प्रोफेशनल बॉडीज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया लाइसेंसिएट एसोसिएशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन, इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स एंड एटसेट्रा एजेंसीज। द इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज में द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ऑल इंडिया लाइसेंसिएट एसोसिएशन, ऑल इंडिया डेंटल एसोसिएशन, ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आर ऑल वॉलेंट्री एजेंसी ऑफ मैन एंड वुमन हु आर क्वालिफाइड इन दियर रेस्पेक्टिव स्पेशलिटीज एंड पजेसेस रजिस्ट्रेबल क्वालिफिकेशन। क्योंकि क्या कर रही हैं, मैन और वुमन्स को वहाँ पर एक चांस प्रोवाइड कराती हैं, उनको वर्किंग कंडीशंस वहाँ पे प्रोवाइड कराती हैं कि वो जिस रेस्पेक्टिव स्पेशलिटीज़ में उन्होंने क्वालिफिकेशन ली हैं उसके लिए वो रजिस्ट्रेशंस वहाँ पर प्रोवाइड कराती हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज आर, इट हैज़ कंडक्ट एनुअल कॉन्फ्रेंसेज, पब्लिश जर्नल्स, अरेंज साइंटिफिक सेशंस एंड एग्जीबिशंस, पोस्टर्स, रिसर्च, सेटअप स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन एंड ऑर्गेनाइज रिलीफ कैंप ड्यूरिंग पीरियड ऑफ नेचुरल क्लाइमिटीज। जिसके मेन वर्कर्स क्या, मेन वर्क्स क्या क्या हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करना, जर्नल्स को पब्लिश करना, साइंटिफिक सेशंस एग्जीबिशंस वगैरह को अरेंज करना, रिसर्च को सेट करना और स्टैंडर्ड्स जो हैं अपने प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उसको सेटिंग का वर्क करती हैं, और ऑर्गेनाइजिंग रिलीफ कैंप को ऑर्गेनाइज करती हैं जब कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ वहाँ पर होती हैं। तो ये था आज का अपना टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में या इस टॉपिक में कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ इसके कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेरीज लिखें, जिससे हम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। थैंक यू।